अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के पैरी पैरी तिक्का सिखा रही हूँ। ये इतना कोई मज़े का तिक्का बनता है ना, इस तिक्के का टेस्ट दूसरे तिक्कों से बहुत ही डिफरेंट होता है, तो आपने लाजमी ट्राई करना है। इसके साथ ही जो चटनी है, नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह इसी की मैं आपको दे दूँगी। अभी ये रेसिपी मैं आपको सिर्फ तिक्कों की दे रही हूँ, आप इस रेसिपी को नोट डाउन कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर मैंने डाल दिया था पानी, और पानी डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 किलो मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त। और ये चर्बी वाला गोश्त था, क्योंकि तिक्के के साथ जब फैट जाता है, जब चर्बी जाती है, तो वो इसका मज़ा और ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है। सिंपल आप गोश्त ना डालना, ये ख्याल रखना कि वो चर्बी के साथ हो। और इसके बाद मैंने 1 डोंगे का चम्मच भरकर इसमें डाल दिया है सिंथेटिक सिरका, सफ़ेद सिरका इसमें डाल दें। और इसको मिक्स करके आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रख देना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसमें से जो ब्लड है, स्मेल है, वो भी एक निकल जाएगी। और दूसरा, ये इसको मेन, ये जो करते हैं ना, टेंडर और जूसी बनाता है, इसके थ्रेड्स में आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कैसे इसके थ्रेड अलहदा होंगे। ये भी मैं इसको रख दूँगी मिक्स करके, आप इसे रख दें। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक का रेस्ट आपने देना है। ये देखो, 20 से 25 मिनट के बाद इसके पानी का कलर चेंज हो गया, और ये देखो इस तरीके से अब थ्रेड इसके खुल गया ना, इसी तरीके से रेशा खुलेगा, तो ये बहुत ही जूसी टेंडर बनेगा जब इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपने 2 से 4 मरतबा ना पानी से इसको अच्छा सा धो लेना है, ताकि ये अच्छा सा वॉश हो जाए, इसमें से सिरके की स्मेल निकल जाए। और इसको आपने किसी स्ट्रेनर या टोकरी में डाल के रख दो। और इसके बाद ये मैंने मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून भर कर लिया है। इसके बाद अदरक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला है, और साथ ही 1 टीस्पून है इसमें तंदूरी मसाला। ये सारे ड्राई थोड़े से इंग्रेडिएंट जो हैं, ये आपने किसी बड़े बाउल या किसी परात में डाल लो। और इसके बाद आपने जो इसमें चीज़ें डालनी हैं, उसमें आप सबसे पहले जाएगा इसमें नमक। नमक 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, और 4 टेबलस्पून सिर्फ आपने दही के डालने हैं। 4 टेबलस्पून से आप ज़्यादा दही मत डालना, क्योंकि वो एक ऊपर जो कोटिंग आ जाती है ना ज़्यादा, वो बहुत अजीब अजीब सी लगती है। ये पेरी पेरी सॉस, मैंने इसकी रेसिपी आपको दे दी हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर लो कि पेरी पेरी सॉस बाय प्योर हार्ट विद में दिया, तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और इस तरीके से मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भरकर पेरी पेरी सॉस के डाल दिए, और ये 2 लेमन मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर दूंगी। 2 अच्छे खासे भरे हुए रस के जो लीमू है ना, वो आपने इसमें निचोड़ने हैं, क्योंकि ये जब इसके साथ स्पाइसी के साथ थोड़ी सी खटास देगा ना, सीरियसली बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हो। 2 तरह के चाट मसाले सिखाए हैं, दोनों बहुत ही ऑसम, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आप ना नमक मिर्च चेक कर लो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर और डालना चाहते हो डालो, लेकिन इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे फिर नमक मिर्च चेक कर लेने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून भरकर आपने डाल देना है घी। घी डालो, ऑयल डालो, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। और इसके बाद वो जो हमने छलनी में डाला था ना गोश्त, उस गोश्त को अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि गोश्त का पानी बिल्कुल निकल जाए तभी आपने इस दही में डालना है, नहीं तो वो बिल्कुल वाटरी वाटरी सा हो जाएगा। अब ये जब अच्छा सा मिक्स हो गया, 3 से 4 मिनट अच्छा सा मिक्स करें, इसको बाउल में डालकर और एयर टाइट किसी बाउल में डाल दें, और इसको बॉक्स में कवर करके, और इसको तकरीबन आप ओवरनाइट भी रख सकते हो ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन के लिए, नहीं तो आप इसे रख सकते हो तकरीबन 5 से 6 घंटे, तो आपने रखना ही रखना है। इसके बाद आपने इस तरीके से सीखों पर इसे लगा लेना है, और फिर इसे आपने सीखों पे लगा लेने के बाद इस तरीके से हल्की आग पे आपने इसे बारबेक्यू कर लेना है। तेज़ आग रखोगे ना तो ये गोश्त ऊपर से तो कलर दे देगा, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा अच्छा सा। हल्की हल्की आग पे देखो, बिल्कुल स्लो है ये चारकोल, ये जो कोयले हैं, और इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा पक रहा है, और इसके साथ वो जो फैट, वो जो चर्बी है, वो जब अपना टेस्ट देगी ना, बहुत ही मज़े का देगी। और ये जैसे ही हो गए, इसके बाद मैंने इसे सर्व कर दिया था। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इसकी चटनी है जो है, ये मैं नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह ताला इसी की दूंगी। ये इतनी कोई मज़े की चटनी बनती है ना, इसके साथ इतना कॉम्प्लीमेंट करती है। इस चटनी को आप कबाबों के साथ, इस चटनी को आप आलू वाले पराठों के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े की चटनी। और ये तिक्के के साथ इतनी कोई कमाल की लग रही थी ना, तिक्का बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी, बहुत टेंडर बना हुआ था। इस रेसिपी को ट्राई करें, थोड़ी सी सिर्फ चीज़ें, कोई इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं यूज़ की हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।